महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में शिवसेना का उद्धव गुट के सभी 288 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी की, ये बड़ी बात सामने आ रही है। इसे लेकर सवाल भी उठ रहे हैं कि अघाड़ी से बाहर हो जाएंगे क्या, ये भी एक फैसला होगा, ये सामने आएगा क्या। इस पर उद्धव गुट की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का बड़ा बयान सामने आया है। वो क्या कहती है वो देखिए। वो कहती है कि हम 288 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाहर जाएंगे, हम एक साथ रहकर इतनी सीटें जीतेंगे। लीजिए ये बयान सामने आया है। हमारी तैयारी है, ये हमें विश्वास है कि जनता का प्रेम और समर्थन हमारे साथ रहेगा। एक बहुत बड़ा पड़ाव हम पार कर चुके हैं, जहाँ पे हम पे ये आरोप लगाए जा रहे थे कि हम नकली शिवसेना है। उद्धव साहब पे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा नकली संतान है। उन सबका मुंह बंद कर, उन सबके मुंह पे एक तमाचा मारकर हमने लोकसभा जीती है। हम इस मेहनत से काम करेंगे, सारे 288 सीट पे हम ही लड़ रहे हैं, सो दैट हमारे सारे कार्यकर्ता काम पे रहें और निष्ठावंत रहें और बिल्कुल साथ हाथ से हाथ मिलाकर काम करते रहें। तो देखा आपने और सुना आपने, साथ में हाथ से हाथ मिला के काम करेंगे। कौन हाथ किससे मिला रहा है, किसका हाथ छूटा जा रहा है, ये भी तो बड़ा सवाल है। और ये 288 सीट पे कितने की बंटवारा या फिर अलग अलग लड़ाई। चलिए अब विजय त्रिवेदी जी आप जरा बताइए कि इस बयान को सुनकर के अब आप क्या सोच रहे हैं कि और महाराष्ट्र की एक वोटर के नजरिए से, क्योंकि इतने सारे ऑप्शन हो गया, क्या सोचा जाए। देखिए वोटर जो है हमेशा अपने इंटरेस्ट की बात सोचता है। अपने इंटरेस्ट का मतलब यदि विधानसभा चुनाव है कि अपने इलाके में कौन फायदा कर सकता है, राज्य में कौन फायदा कर सकता है और उसमें क्या वो गठबंधन की तैयारी करता है। एक बात समझने की जरूरत है कि जब सब नेता कह रहे हैं, उद्धव ठाकरे कह रहे हैं, प्रियंका जी ने कहा 288 पे लड़ रहे हैं, MNS ने कहा 200, इसका मतलब कतई ये नहीं है, वो तैयारी करने की बात हो। और वो जो ये बात कही जाती है वो किसी गठबंधन में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए एक शर्त होती है। ये भी हम तो 288 पे लड़ सकते हैं, चलो आप भी आ रहे हो तो हम चलो 150 पर लड़ लेंगे, 200 पर लड़ेंगे, हमारे नेगोशिएट करने के लिए का ये एक टैक्टिक। इसको ब्लैक एंड व्हाइट तरीके से नहीं समझना चाहिए कि नहीं अब उद्धव ठाकरे जी ने कह दिया तो 288 पे लड़ेंगे या भारतीय जनता पार्टी 288 पे लड़ेगी। और देवेंद्र फडणवीस जो कह रहे हैं तो वो सेंट्रल लीडरशिप को तय करना, हालांकि भारतीय जनता पार्टी पहले ये कर चुकी है कि अकेले लड़ चुकी है और बड़ी पार्टी भी बन चुकी है, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें चुनावों में ध्यान रखकर की जाती है। क्या फैसला होता है महाराष्ट्र की राजनीति में, मैं ये समझ रहा हूँ कि अभी सब जो कुनबे बने हुए हैं, परिवार बने हुए हैं, मतलब गठबंधन महायुति है, महा अघाड़ी है, ये सब इनके टूटने का भी टाइम है और इनके जुड़ने का भी टाइम है। तो सबको अपने अपने कुनबे संभालने हैं। हो सकता है ये कुनबे नए तरीके से बनने लगे, आपको दिखे, हो सकता है कि शिंदे परिवार के जो विधायक हैं वो उद्धव गुट के साथ दिखाई दें, हो सकता है कि कुछ और बदलाव हो, बहुत पवार साहब चले जाए, बहुत सारे बदलाव हो जाए। अभी बहुत सारे बदलाव यहाँ पर होने वाले हैं, इन 2-3 महीनों में दिखाई देगा। लेकिन इसको ये समझिए कि जो सब लोग कह रहे हैं कि हम सब लोग अकेले लड़ेंगे, मुझे नहीं लग रहा कि कोई भी अकेले लड़ने की स्थिति में। गोदावरी में काफी पानी है और कुल मिलाकर के पानी को दिखाने की भी कहानी चल रही है कि ताकि देख लो हम में इतना पानी है। सीटों के बंटवारे में जो माथा पच्ची होती सिर्फ फुटबॉल, उसमें देखिए गठबंधन जब भी होता है तो हमेशा अंदर अंदर मसल फ्लेक्सिंग भी होती है उसमें एक दूसरे को, बाहर वो एकता का वो करते हैं कि हम एकजुट होकर लड़ रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर सीटों की हिस्सेदारी ज्यादा हिस्सेदारी है कि पब्लिक है, सब जानती है, सब पर्दे के पीछे की कहानी देख रही है, दिखा रही है, जहां थोड़ी बहुत कमी पड़ती है आप जैसे एक्सपर्ट बता देते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।